योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का कल दूसरा बजट पेश हुआ है और सदन में पेश इस बजट से कुशीनगर की जनता को बहुत उम्मीद थी। उन्हीं की उम्मीदों को पूरा करते हुए सरकार ने कुशीनगर को महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रूप में बड़ी सौगात दी है। विश्वविद्यालय के बन जाने से कुशीनगर का विकास होगा, पिछड़े क्षेत्रों के विद्यार्थियों को पढ़ाई और करियर बनाने के कई अवसर उपलब्ध हो जाएंगे और साथ ही रोजगार में वृद्धि होगी। इस ऐतिहासिक घोषणा होने के बाद कुशीनगर के किसानों के साथ हर वर्ग के लोग खुश नजर आ रहे हैं। कुशीनगर की पिछड़ी हुई जनता महाराज जी की अत्यंत आभारी है। आज तक इतनी बड़ी सौगात कुशीनगर को देने के लिए किसी ने सोचा तक नहीं था और माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी ने दे दिया। जनता अभिभूत है, हम भी अभिभूत है, गन्ना किसान भी अभिभूत है, आम किसान भी अभिभूत है। इतनी बड़ी चीज मिली है, क्या लाभ होगा इससे कुशीनगर को? कुशीनगर में वैज्ञानिक तैयार होंगे, यहाँ के बच्चों का शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, यहाँ लोगों को इसके अनेकों लाभ होंगे, विकास होगा, जिले का विकास होगा, जिले के बच्चों के शिक्षा का विकास होगा। जो बजट उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पेश हुआ है वह बजट ऐतिहासिक और सबसे बड़ा बजट है और हम लोगों को कुशीनगर वासियों के लिए तो और प्रसन्नता है कि कुशीनगर को कृषि विश्वविद्यालय मिला है। कुशीनगर कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ समय हमारे जनप्रतिनिधियों ने कृषि विश्वविद्यालय की मांग उठाई थी और इस संवेदनशील सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि कुशीनगर को कृषि विश्वविद्यालय दे करके अपने संवेदनशीलता का परिचय दिया। मोटे अनाज से लेकर के हमारा फ्रूट से लेकर हम मसाले से लेकर के सब तरह की खेती है और महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को देने के लिए हम लोग बहुत प्रयासरत थे और आज जो है इसके लिए जो है भारत सरकार और यूपी सरकार के उससे जो है यह विश्वविद्यालय कुशीनगर को मिल रहा है। इससे जो है गोरखपुर मंडल और पूर्वांचल के किसानों का और नौजवानों का और विद्यार्थियों का सबसे बहुत कल्याण होगा, रोजगार उपलब्ध होगा